हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है प्रकाश के ब्लॉग में। आज हम आ चुके हैं जगम्मनपुर से 2 किलोमीटर दूर पंचनदा संगम में। यहाँ 5 नदियों का संगम है जहाँ पर 5 नदियाँ एक जगह पर मिलती है। तो चलिए पहले यहाँ का मंदिर दिखा देते हैं जो कि बहुत पुराना है, यहाँ की बहुत ही पुरानी मान्यता है। तो चलिए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं और वहाँ के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं। तो ये रहा यहाँ का मंदिर, तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अभी दीपावली के बाद मेला भी लगता है, तो यहाँ पर आपको मेला भी दिखाएंगे जो कि यहाँ पर निकलना शुरू हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर मंदिर में क्या क्या है दिखाते हैं। ये है मंदिर का नज़ारा, ये देखिए। यहाँ पर अभी कुछ कार्यक्रम भी हुआ था तो उसके भी बैनर लगे हुए हैं। बाकी का मंदिर में आपको दिखाते चलते क्या क्या है। ये देखिए, यहाँ पर पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। और भी यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये इसका दूसरा गेट है, देखिए। अभी सामने ही आपको नदी दिख रही होगी तो उसके पास चलेंगे और आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। तो और यहाँ पर देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, यहाँ पर घंटा दो दो लगे हुए हैं और पुजारी लोग रहते हैं। ये पुजारियों के रहने की जगह पर है, ये देखिए यहाँ पर पुजारी लोग रहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है यहाँ पर। ये देखिए, और बाकी का यहीं पर जूते उतारने के बाद फिर चलते हैं अंदर और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, हनुमान की फ़ोटो है और गणेश जी भी हैं। इधर मेन ये है, सबसे मेन आपको ये देख रहे हैं देवों के देव महादेव का यहाँ पर डमरू रखा हुआ है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो और चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये देखिए, तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, किधर से रास्ता है। इधर से है चैनल, देखते हैं क्या चीज़ है। छोटा सा गुफा जैसा है यहाँ पर, देखते हैं भाई। यहाँ पर पंखा वंखा सब लगा हुआ है, लाइटिंग भी है। यहाँ पर कुछ पुरानी मूर्तियाँ और पुरानी चीज़ें रखी हुई है जिनकी पूजा होती है यहाँ पर। ये दान पात्र है, यहाँ से 1000 वर्ष पहले का प्राचीन स्थान है। अच्छा, जिसमें श्री श्री 1008 श्री मुकुंद भवन महाराज रहते थे और उनके चेला मंजूवन थे, जिनके करीबन 1000 वर्ष की जानकारी बताते हैं बुजुर्ग, परंतु 10000 प्राचीन मंदिर ये और कालेश्वर है उस तरफ। अच्छा, तो यहाँ 1-1.5 लाख के द्वारा जो है स्नान हुआ, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। अच्छा, इसकी बहुत ही पुरानी मान्यता है यहाँ पर। और यहाँ साक्षात काली मैया चल के आई है, बगल में बिराजी है। अच्छा, यहीं पर बगल में ही है, बगल में है। तो चलिए वहाँ का आपको दिखा दीजिए कहाँ पर है। तो पंडित जी के साथ हम चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या नज़ारा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर है काली माता का मंदिर। जूता जूता लाकर जेवर भी पहने, इसलिए सारा खोला नहीं जाता। खाओ, खोल दें। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खोल दीजिए, आप दिखा देंगे सबको। ये देखिए, यहाँ पर काली माता विराजमान है, साक्षात कलकत्ता से चल के आई है। जैसे पंडित जी बता रहे हैं, यहाँ पर कलकत्ता से साक्षात काली माता यहाँ पर विराजमान हुई है। कोई बात नहीं, आपको ऐसे ही बना लेंगे। देखिए, आपको पास से दिखाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, काली माता यहाँ पर विराजमान है। तो अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो पंडित जी गए हैं यहाँ की चाबी लेने के लिए।
तो जब पंडित जी आएंगे तो आपको और भी पास से दिखाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर कुछ और भगवान की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई हैं ये, और यहाँ पर भी हैं, देखिए जो जो यहाँ पर दान पुण्य करे जाते हैं वो इन सब के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं पत्थरों में, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए जालौन जिला के अंतर्गत ही आता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग के नाम लिखे हुए हैं, पूरी दीवालों में आपको नाम यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए चारों तरफ पूरी लिस्ट बनी हुई है, किसने कब कितना दान किया है उसका पूरा लिखा पड़ा पंडित जी के पास है। तो देखिए यहाँ पर आपको श्लोक भी मिल जाएंगे, श्लोक भी लिखे हुए हैं। और यहाँ पर अभी गेट बंद है, ताला लगा हुआ है, बाकी का आप लोग अंदर देख ही सकते हैं। यहाँ पर अभी पंडित जी अपनी पूजा में बिजी हैं, तब तक आपको और भी यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर, अभी पंडित जी जा रहे हैं अभी पूजा करने के लिए। ये यहाँ से यहाँ चांदी है, अच्छा पूरा चांदी का है ये, अंदर चांदी है, हाँ। बाहर उनका जो है चोला चढ़ता है। अच्छा ये चांदी का है अंदर से, तो अभी पंडित जी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर है आपका, हमारे आपके पुरखा ये गणना लगा रहे हैं कि 500 कोई हजार वर्ष, हजारों साल पहले, परंतु ये माने आप 50,000 में कहता हूँ पहले वर्ष, हाँ, सही हम लोग अनुमान लगाते हैं। यहाँ ऐसी शक्ति बाबा साहब महाराज के नाम से ये काली मैया साक्षात कलकत्ता से चल के यहाँ विराजी, और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मेला भी लगता है, मेला देख रहे हैं, हाँ मेला बाहर देखा भी निकलने लगा है, हाँ बाद में आप आए अगर और पहले आ जाते, हाँ तो मेला बहुत भारी मेला है, अगले साल आएंगे जी। तो पंडित जी अपनी पूजा खत्म कर लेते हैं, फिर आपको और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस जब तक पंडित जी अपनी पूजा ख़त्म करते हैं, जब तक हम आपको पूरे मंदिर का नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं। वैसे बहुत ही पुराना यहाँ पर पंडित जी मंदिर बता रहे हैं इसको, 500 से हज़ार साल पुराना ये मंदिर है, और यहाँ पर 5 नदी का संगम है। तो पुल के पास चलेंगे या फिर नदी के पास जाएंगे तो आपको नदी का भी नज़ारा दिखाएंगे, उसमें कौन कौन सी नदी आती हैं उसको भी आपको बताएंगे। तो चलिए पहले आपको यहाँ की मूर्तियाँ दिखा देते हैं। ये देखिए काली माता जी की मूर्ति है, और यहाँ पर देखते हैं हनुमान जी की मूर्ति भी है, और भी यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या है। आगे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो वापस उधर ही चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए देवों के देव महादेव का यहाँ पर डमरू लगा हुआ है, और हनुमान जी की, दुर्गा जी की और काली जी की मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं। पंडित जी अपनी पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं ये कितना बड़ा मंदिर है। ये देखिए यहाँ पर गाय पालन भी होता है, जो कि पंडित जी और उनके फैमिली के द्वारा किया जाता है, और बाकी का आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए पंडित जी की पूजा अभी ख़त्म हो गई होगी, तो उनसे और बात करते हैं और जानकारियाँ लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों आपको पूरा मंदिर के दर्शन करा दिए, और अब चलते हैं मेले की तरफ, क्योंकि पंडित जी अभी बिजी हैं, तो आपको मेले का नज़ारा दिखाते हैं जो कि दीपावली के बाद यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो चलिए क्या है वहाँ का सीन, थोड़ा सा लग रहा है कि वो उखड़ने वाला है, तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ का क्या नज़ारा है। ये हम आ चुके हैं मेले में, और यहाँ की दुकानें अभी भी लगी हुई हैं, ये देखिए, और कुछ दुकानें यहाँ पर उजड़ भी चुकी हैं, निकल चुकी हैं और निकल रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर दीपावली के बाद से ही मेला लगना शुरू हो जाता है। बाकी को आप जितना भी यहाँ पर मेला बचा हुआ है आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैकेट सर्दियों के लिए सारी चीज़ें हैं, और देखते हैं यहाँ पर जो दुकानें लगी थी वो निकल चुकी हैं, और बस कचड़ा यहाँ पर बचा हुआ है। ये
ये देखिए, ये है पंचनदा का कार्यालय। आप लोग देख सकते हैं ये कार्यालय, यहाँ पर जो भी इनके अधिकारी लोग होते हैं वो यहीं पर बैठते हैं। तो चलिए और मेले के अंदर चलते हैं और आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं। ये रहा मेले का नज़ारा, अभी थोड़ी बहुत दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, वही आपको दिखाते हैं। ये देखिए, खिलौने हैं, दुकानें हैं, बर्तन है, शिवलिंग रखे हुए हैं, सब कुछ है यहाँ पर। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये देखिए यहाँ की दुकानें, घर के लिए बर्तन सब कुछ है यहाँ पर। वैसे अगर दीपावली के बाद हम लोग यहाँ पर आए होते तो आपको और अच्छे से दिखा पाते, लेकिन हम थोड़ा लेट हो चुके हैं तो जो कुछ है बस यही बचा हुआ है, नहीं तो शाम के टाइम भी बहुत अच्छी यहाँ पर लाइटिंग होती है। ये देखिए बाकी का जो नज़ारा है आप लोग देख ही सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बर्तनों के सेट लगे हुए हैं, कप है, प्लेट है, सब आप लोग देख सकते हैं। देखिए बाकी का आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है। भैया ये आपकी दुकान है? अच्छा, ये देखिए भैया ने दुकान यहाँ पर लगाई हुई है। बाकी का देखिए, हर माल 5 रुपए जो कि आपको मेले में अक्सर मिल जाएगा। ये देखिए 5 रुपए में और क्या ही लोगे। ये देखिए बर्तन लगे हुए हैं, सब कुछ है। और बाकी की दुकानें यहाँ पर निकल चुकी है, वो भी आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए ये राम, आपको मेले का नज़ारा आपने देख लिया। तो दोस्तों ये रहा मेले का नज़ारा। तो अब चलते हैं पंचनदा की ओर, वहाँ पर 5 नदियों का जो भी संगम है आपको वो दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर वहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं पंचनदा की ओर, यहाँ पर 5 नदी का संगम है। तो चलिए वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ आती हैं आपको उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, अगर चैनल बने हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो उससे आगे आपको नदी का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पंचनदा के पुल के ऊपर, तो आपको दिखाते हैं यहाँ का पुल और आपको यहाँ की नदी भी दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये है पंचनदा का पुल, जो कि 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, और सामने इटावा की ओर जाता है पुल। और ये है पंचनदा, यहाँ से 3 नदियाँ आई हुई हैं और यहाँ से 2। तो पापा से जानते हैं कौन कौन सी नदियाँ आई हुई हैं, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी है नहीं, तो पापा उससे पता करते हैं। तो पापा यहाँ से कौन सी नदियाँ आई हुई हैं? इधर से 3 नदियाँ आई हुई हैं, सिंध, पहुज और कुंवारी। अच्छा, इधर से आई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 3 नदियाँ हैं, सिंध, पहुज और कुंवारी। कुंवारी और कुंवारी, और 2 नदियाँ यहाँ से आई, इधर से आई, इधर से यमुना नदी और चंबल, इधर से 5 नदियों का यहाँ संगम हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, इधर से यमुना नदी और चंबल आई हुई है। अगर आपने अभी तक हमारा चंबल नदी वाला ब्लॉग नहीं देखा तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसको वीडियो को आपको देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो उस ब्लॉग को भी ज़रूर देख लें। तो ये रहा नदी का नज़ारा, नदी यहाँ पर सूखी हुई है, वैसे यहाँ पर नदी फुल रहती है, तो अभी तो यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं नदी में पानी कितना कम है। ये देखिए बाकी का यहाँ का नज़ारा है, पहले इतना पानी था कि गहराई नापी नहीं जा सकती थी यहाँ। तो गाइज हमने आपको पूरा मंदिर दिखाया, पूरी नदियाँ दिखाई और उसकी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक, अगर चैनल पर नया है तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग ब्लॉग हम लाते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।